हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम है लेट्स क्रिएट वेल्थ। और दोस्तों आप जानते हैं इस चैनल का मकसद केवल और केवल एक ही है कि आप लोग अच्छी से अच्छी वेल्थ बना सकें दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो किसी की भी, तो आप आके कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैं इस वीडियो के अंदर जिस दिग्गज स्टॉक के बारे में काम बताने वाला हूँ आपको, एक इतनी शानदार कंपनी है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है इस कंपनी में पैसा लगाने का, क्योंकि दोस्तों क्वार्टर फोर के नतीजे थोड़े कमज़ोर आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, तो मौका दे रहा है। बहुत ही लाजवाब कंपनी में से एक कंपनी है दोस्तों, आईटी सेक्टर की। तो कौन सी ये कंपनी, सब कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो के अंदर रहिएगा। तो दोस्तों आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं, और थोड़ा ध्यान से पढ़िए मैंने जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है दोस्तों। बेस्ट आईटी स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, गिरावट में ऐड करते रहो दोस्तों। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये एआई के अंदर काम कर रहा है, रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहा है दोस्तों, आईटी सेक्टर के ये आगे आने वाले बहुत बड़े रेगुलेशन होने वाले हैं, तो इन्हें आप थोड़ा नज़र में रखिए। ये स्टॉक अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है, मल्टीबैगर है, और 8% से ज़्यादा का कट देखने को मिला था फ्राइडे के दिन स्टॉक में। वजह केवल क्वार्टर फोर के नतीजे इतने शानदार नहीं आए जितने आने चाहिए थे। खैर दोस्तों, बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, शुरुआत करना चाहता हूँ मैं हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक की। सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो करीब 53.25% की होल्डिंग देखने को मिलती है प्रमोटर की। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है दोस्तों, इसमें 6.57% की है। वहीं अदर DII की बात करें तो 1% से कम की होल्डिंग। वहीं FII 7.07% के साथ बैठे हैं। वहीं अगर बात करें हम रिटेल सेक्टर और दोस्तों रिटेल निवेशक और अदर्स की, तो वो भी दोस्तों 32.30% की होल्डिंग के साथ हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के अंदर दोस्तों विराजमान है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए शामिल कीजिए, क्योंकि अच्छा करेक्शन है हुआ है, हो सकता है आगे आने वाले सेशंस में इसमें तेजी भी बनती दिखाई दे, और अगर और कट मिलता है तो सो फार सो गुड है दोस्तों, निवेशकों के लिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलते हैं फर्दर डिटेल हैप्पीएस्ट माइंड के देखेंगे दोस्तों। आ गया हूँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के रिटर्न की प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न कैसे दिए। तो बात अगर करें दोस्तों हम एक हफ्ते में, तो दोस्तों करीब 12.46% क्रैश हुआ। दो वीक में ऑलमोस्ट 1% से कम के रिटर्न। महीने भर की आप बात करें तो 14.2% चला है। 3 महीने में 83% के आसपास के रिटर्न। 6 महीने की आप बात करें तो 124% से अधिक के रिटर्न दे चुका है। और यदि आप बात करें 2021 की, माफ कीजिए, साल के शुरुआत की, 2021 जब से शुरू हुआ है, मतलब 1 जनवरी 2021 से अब तक दोस्तों 111% के रिटर्न दे चुका है। और आप जानते हैं अभी हाल का ही लिस्टेड स्टॉक है, तो इस स्टॉक को बिल्कुल दोस्तों नज़र में रखना है। गिरावट में ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि में बहुत बड़ी वेल्थ बनाएगा ये स्टॉक। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बताऊँगा दोस्तों। 732 रुपये जो इसका दोस्तों था एडजस्टेड प्राइस था, 7.82% टूटा। क्लोजिंग प्राइस 728, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 794, ओपनिंग हुई थी 792 पे, हाई लगाया 792, मतलब जहाँ पे खुला वहीं हाई, और लो था 720 रुपये का स्टॉक का। अभी भी आप देख सकते हैं इतना दिग्गज स्टॉक है, फिर भी इसमें बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद भी। अगर बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई और लो, तो 52 वीक हाई दोस्तों इसने 10 मई को बनाया था, वो भी 868 रुपये का। वहीं 52 वीक लो की बात करें 307 रुपये पिछले अक्टूबर के समय, अक्टूबर 2020 27 अक्टूबर को। और दोस्तों अगर आप बात करें डिलीवरी पैटर्न का कि कैसा शेयर में कामकाज हुआ, तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी आप देख सकते हैं इस स्टॉक की। तो करीब करीब इस स्टॉक के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई 65,21,846 शेयर की, जो डिलीवरी उठाई गई है इसमें 19,19,861 शेयर। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी शानदार है दोस्तों 29.44, तो करीब 30% की इसमें डिलीवरी है, जो कि ठीक मानी जाएगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है दोस्तों।
तो इस स्टॉक को नज़र में आप ज़रूर बना के रखिए। अभी मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा और साथ ही आपको दिखाऊँगा क्या क्या काम करती है ये FPS माइंड का स्टॉक। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, थोड़ा इसका डिटेल आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी आखिर क्या क्या काम करती है उसको आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड जो फाउंड हुई थी 2011 में, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में, ऑपरेशंस मतलब जो इसके कामकाज हैं वो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरीके से कंपनी कामकाज कर रही है जिन जिन सेगमेंट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कंपनी काम कर रही है दोस्तों AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन में काम कर रही है दोस्तों, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन में है, इंटरनेट एंड थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन सिक्योरिटी और वर्चुअल सेगमेंट्स के अंदर कामकाज करती देखी जा रही है। दोस्तों बहुत ही लाजवाब कंपनी है। और दोस्तों सितंबर के महीने में 2020 में 166 रुपये के प्राइस पे IPO इसका आया था और आपने इसका लाइफ टाइम हाई भी देख लिया, करीब करीब 870 रुपये के आसपास इसने अपना लाइफ टाइम हाई भी लगाया। तो दोस्तों स्टॉक इतना लाजवाब है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए अपने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को। अभी आपको चल के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों यदि आप कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी किस किस बिजनेसेस में है। तो आप ज़रूर जाइएगा दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको चैनल में ये जो हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।